नमस्कार दोस्तों, अंधविश्वास एक ऐसा शब्द है जो किसी न किसी रूप में दिख ही जाता है और इसी अंधविश्वास की एक घटना से आज हम आपको रूबरू करवाने वाले हैं। दोस्तों देश के कई हिस्सों में गुरुवार की सुबह सूर्य ग्रहण देखा गया। इस साल का अंतिम सूर्य ग्रहण था। सूर्य ग्रहण सुबह 8:17 से शुरू होकर 10:57 तक रहा। इस दौरान अंधविश्वास का मामला भी सामने आया। घटना कर्नाटक के कालाबुरागी ताज सुल्तानपुर गांव की है, जहां माता पिता ने अपने 3 दिव्यांग बच्चों को जमीन में गाड़ दिया। माता पिता का मानना था कि सूर्य ग्रहण के वक्त बच्चों को दबाने से भी ठीक हो जाएंगे। 3 बच्चों को 2 घंटे से अधिक समय तक गड्ढे में रखा गया था। उन्हें ग्रहण समाप्त होने के बाद ही बाहर निकाला गया। जनवादी महिला संगठन की एक महिला कार्यकर्ता अश्विनी ने गांव के निवासी से घटना के बारे में पता चलने पर संबंधित अधिकारियों को सूचित किया। इसके बाद पूर्व विधायक बीआर पाटिल सहित तमाम लोग मौके पर पहुंचे और माता पिता से बच्चों को बाहर निकालने के लिए कहा। बता दें कि सूर्य ग्रहण धार्मिक महत्व रखता है और इसी अवसर पर विशेष पूजा अर्चना की जाती है। हालांकि इसी दौरान अंधविश्वास का हावी होना बेहद खतरनाक है।